जिंदगी एक खूबसूरत एहसास है जिसके अवलीन एहसास आपके दिल पे नक्श हो जाते हैं। पहली नजर, पहली मोहब्बत, पहली खुशी और पहली बार के वो आंसू। पहली बार की मायूसी, पहली बार का दिल टूटना, वो पहली बार जब इदराक की अजियत आपके दिल में घर करती है, पहली बार का वो जानलेवा एहसास कि अब आप कभी भी किसी मोहब्बत जैसे एहसास पे यकीन नहीं कर सकते। वो देखो वो गिर गई। तभी अचानक कहीं से कोई उम्मीद की किरण जागती है और सब कुछ बदल जाता है और एक बार फिर से मोहब्बत आपके इर्द गिर्द मखमली जाल बुनने लगती है। चोट तो नहीं लगी? नहीं, चोट नहीं लगी। मामा ध्यान से करें ना। माफ करना बेटी, मैं थक गई हूँ मामा, बस करें ना। बस खत्म हो गया, बस एक मिनट, ये लो हो गया। ये लो हो गया। कैसा है ना खूबसूरत, बिल्कुल तुम्हारी ड्राइंग की तरह। मेरी ड्राइंग्स अच्छी होती तो अब तक स्पॉन्सर मिल चुका होता। तुम बिल्कुल ना इंसाफी कर रही हो जीनिया, मोहल्ले के सब लोग तुम्हारी ड्राइंग की तारीफ करते हैं। हाँ, हमारे मोहल्ले के लोग, कसाई चाचा और टैक्सी वाले। आप तो ऐसे बात करें जैसे हमारा मोहल्ला नहीं कोई हाई सोसाइटी। अरे बाबा, तुम्हारी ड्राइंग की वजह से ही मेरे कस्टमर बढ़ रहे हैं। चले आपको कोई तो फायदा हुआ। अच्छा अच्छा, जाओ चेंज करके आओ, गुलशरीन अपना ड्रेस लेने आती ही होगी। और अगर मेरा नाम उनकी बेटी जैसा ना होता तो फिर आप क्या करती? अच्छा बेटा, जाहिर है फिर मैं भी आना होती बेटा। अच्छा चलो जल्दी से चेंज करके आओ, तुम्हें भी देर हो रही है। मामा। हाँ बेटा। मैं नहीं जाना चाहती, मेरा दिल नहीं चाह रहा। पागल मत बनो जीनिया, ये तो तुम्हारा बचपन से ख्वाब था बेटा, जाने का कोई फायदा नहीं। और ये तुम्हें कैसे पता है? देखना उन्हें तुम्हारी ड्राइंग कितनी पसंद आने वाली है, दीवाने हो जाएंगे, फौरन हायर कर लेंगे तुम्हें। इतना यकीन है आपको? हाँ बिल्कुल यकीन है मुझे। अच्छा जल्दी से रेडी हो जाओ। शाबाश मेरी प्यारी बेटी। मैं देख रहा हूँ मामा। अरे भाग क्यों रहे हो बेटा? अस्सलाम वालेकुम मामा, शाइमा बाजी आई हैं। ज़ेनिया, शाइमा आ गई है। आ रही हूँ। मैं आ गई। अरे आओ 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 आओ। मैं तुम्हारे हाथ की चाय पीने आई हूँ। अरे हाँ क्यों नहीं गुलशरीन, चलो चल के बैठो। तुम भी बैठो ना शाइमा। नहीं नहीं आंटी, हम लोगों को जल्दी निकलना है। मम्मा मैं प्लेग्राउंड जा रहा हूँ। ओके बेटा।
पसीने वाले कपड़े चेंज करके बैग में रख लेना, ठीक है ना? ख्याल से जाना, खुदा हाफिज। अच्छा हुआ तुम आ गई हो, जानती हो ना कितना घबराती है, उसके साथ रहना, ठीक है ना? हाँ ठीक है, आप परेशान मत हो। आ गए। अस्सलाम वालेकुम शीना। वालेकुम सलाम बेटा। बेटी अल्लाह तुम्हें कामयाब करे। चलो ख्याल से जाना। अच्छा अब जाओ, अल्लाह हाफिज। अनम कैसी हो? एवरीथिंग इज सो परफेक्ट, मैं तो फैसला ही नहीं कर पा रही कि क्या खरीदूं। थैंक यू सो मच डार्लिंग, एंजॉय करो। हेलो कैसी हो डार्लिंग? बहुत कैसा लगा? बिलीव मी पूरा इंटीरियर बहुत अच्छा है। अच्छा अरेंजमेंट है ना, कहीं ये सब मिलान जाने की तैयारी तो नहीं? एग्जैक्टली, फाइनली थैंक गॉड, तुमने बहुत वक्त पे ये फैसला किया है। चलो एक पिक्चर लेते हैं। मिस्टर अयाज, आप कुछ कहना चाहेंगे? प्लीज कुछ तो कहिए। कुछ बताएंगे अपने फ्यूचर के बारे में? अंधे हो, देखकर नहीं चल सकते क्या? आह, अयाज इज हियर, मेरी जिंदगी की इंस्पिरेशन। मॉम, चलो एक फोटो बनवाओ। बस करें मॉम, बहुत हो गया। कैसे हो तुम डार्लिंग? फाइन थैंक्स, आप हमेशा की तरह बहुत खूबसूरत लग रही हैं। आई होप कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं है। मॉम, अच्छा ठीक है ठीक है। माय क्वीन, प्रेस इज वेटिंग फॉर द इंटरव्यू। ठीक है, चलो जल्दी से मॉम को लकी चार्म दो। और जाना मत। हाँ चले फिर मिलते हैं। ओ हेलो, आइए आइए, कैसे हैं आप? What can I do for you? मुझे मैं सनम से मिलना था। किस सिलसिले में? मैं उनकी बहुत बड़ी फैन हूँ। सभी होते हैं। सही कहा, मैं बस उन्हें अपनी ड्राइंग्स दिखाने के लिए आई हूँ। इसमें नया क्या है? मुझे यकीन है कि मेरी तरह बहुत सारे फैंस उन्हें मिलने आते होंगे। Anyways, wait a minute. मैं तुम्हें मिलवा तो नहीं सकता, लेकिन अपनी ड्राइंग्स यहाँ छोड़ जाओ, मैं उन तक पहुँचा दूंगा। सच कह रहे हैं आप? अपना कॉन्टैक्ट वगैरह लिख देना। ठीक है। If she likes your designs, वो आपसे कॉन्टैक्ट कर लेंगी। Thank you so much. का फोन बज रहा है। अस्सलाम वालेकुम शीरीन आंटी। नहीं नहीं, शायमा तो यहाँ नहीं आई। ठीक है, आप परेशान मत हो, मुझे फोन आएगा तो मैं बता दूंगी। ओके खुदा हाफिज। मुझे पता था कॉल नहीं करेंगे, जब 2 महीने से नहीं आई तो अब क्या आएगी। सब्र करो ना बेटा, तुम्हारी तरह ना जाने कितने लोगों ने ट्राई किया होगा,
ना जाने कितने डिजाइन होंगे, सबको देखने में वक्त तो लगता है ना। आपको यकीन है? हाँ बिल्कुल है बेटा। फिर मुझे भी है। अच्छा अब मैं कॉलेज के लिए निकल रही हूँ, अपना ख्याल रखे। तुम भी नाजीनिया मेरी जान। सुनो सब कुछ तुम्हारी ख्वाहिश से बढ़ के होगा बेटा। हाँ इतना है कुछ वक्त लग जाएगा, थोड़ा सा सब्र मेरी जान। इंशाल्लाह। गुड। गुड मॉर्निंग। कहीं जा रहे हो? बिल्कुल। पहले नाश्ता कर लो फिर चले जाना। नहीं नाश्ता नहीं, मुझे मीटिंग में पहुंचना है, बाद में कॉल करूंगा। तुम्हारे पास मेरा नंबर है क्या? तुमने रात में दिया तो था। नहीं तो? मैं ढूंढ लूंगा, परेशान मत हो। शाइमा कहाँ रह गई थी तुम? सब ठीक तो है? तुम्हारी अम्मी ने कॉल की थी मुझे, कुछ हुआ है क्या? हाँ झगड़ा हुआ है। फिर से? इस बार बहुत सीरियस मैटर है, मैं माफ नहीं करूंगी उसे। पर हुआ क्या? पूछो क्या नहीं हुआ, सब कुछ यहाँ नहीं बता सकती, ऊपर चलो। मुझे कॉलेज पहुँचना है। कॉलेज? अच्छा फिर वापसी पे मेरे पास आना। ठीक है। See you. खुदा हाफिज। वेरी गुड बॉयज, वेरी गुड। मूरत वेरी गुड केक, शाबाश। हाँ जेम जरा खोल के खेलो, बॉल को पकड़ना है तुमने। एमरे तुम लोग खेलते रहो, आज कॉलेज जाने का इरादा नहीं, नहीं है क्या? बॉयज का बहुत इम्पोर्टेंट मैच है, प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, नोट्स ले आना। ठीक है शाम में ले जाना। ओके ठीक है। हाँ बिल्कुल ठीक, अब फास्ट ट्रैक पे चलेंगे। पता नहीं कौन सा इलाका है। गाड़ी कहां पार्क की थी मैंने? मेरी तो मीटिंग थी यार, सीरियसली मुझे मार डालेगा जाफियार। Oh damn it! Hey, hey! मेरी गाड़ी कहाँ ले जा रहे हो? Hey, बात सुनो! Hey!
ओफो, क्या मुसीबत है यार। मैंने भी किस भुलक्कड़ को अपना दोस्त बना लिया। ये मीटिंग अरेंज करने में 6 महीने लगे और ये मिस्टर। सुबह सुबह इतना गुस्सा, तोपों का रुख कहाँ है? कुछ नहीं बाबा। अयाज। गुड मॉर्निंग बुलंद साहब। गुड मॉर्निंग। आपके लिए चाय लाऊं? हाँ ले। छोटे साहब आपके लिए? नहीं मैं बस निकल रहा हूँ। हमारी शहजादी नहीं जागी? जाग गई हूँ बाबा जान। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आपको भी गुड मॉर्निंग भाई। गुड मॉर्निंग प्रिंसेस। मैडम आपके लिए चाय या नाश्ता लाऊं? अरे नहीं नहीं, पहले ही काफी लेट हो गई हूँ मैं आज। नाश्ता तो करती जाओ, बैठो बेटा। आप मेरे लिए परेशान ना हो बाबा जान, मैं कॉलेज में कुछ ले लूंगी। हाँ हाँ ठीक है, मैं इसे ड्रॉप कर दूंगा, चलो। जावियर बस मुझ पे छोड़ दें, ठीक है? बस कुछ रह ना जाए बेटा, आप बस देखते जाएं। खुदा हाफिज बाबा। खुदा हाफिज। भाई आपने बाबा जान से बात कर ली है ना? नहीं भाई। वो सिर्फ एक शर्त पे माने हैं अमेरिका के लिए, कि समर वेकेशन में तुम सीधा यहीं आओगी और कहीं बिल्कुल नहीं जाओगी। यानी परमिशन दे दी उन्होंने? मेरे प्यारे भाई कमाल कर दिया आपने तो, दुनिया के सबसे अच्छे भाई हैं आप। ओके ओके अच्छा बस चलो जाओ, अब देर हो रही है। फातिमा, अयाज आ गया? नहीं अभी तो नहीं आए। और कॉल भी नहीं की होगी? हमेशा की तरह। ठीक है, तुम बार बार उसका फोन ट्राई करती रहो। वेलकम मिस्टर अयाज। नहीं मैं जावियर, उनका बिजनेस पार्टनर हूँ। अयाज बस कुछ ही देर में पहुँचते होंगे। आई होप वो जल्दी पहुँच जाएंगे, हमारे पास भी ज्यादा वक्त नहीं है। एग्जैक्टली वो रास्ते में है, क्यों ना आप लोग कुछ देर अंदर वेट कर लीजिए, वो पहुँचने ही वाला होगा बिल्कुल। उसे कॉन्स्टेंटली कॉल करती रहो, ओके? अरे क्या हुआ? पता नहीं यार, बस खराब हो गई है। आप सबको नीचे उतरना होगा। क्या मुसीबत है? क्या मैं आप लोगों के लिए कॉफी वगैरह मंगवाऊं? नो थैंक्स। जरूर मिस्टर रियाज किसी इमरजेंसी में फंस गए होंगे। आई एम श्योर, वरना वो लेट नहीं होता। ये ले आपके डॉक्यूमेंट। शुक्रिया। टैक्सी मैंने रुकी थी। ये मेरे लिए रुकी है, मैं काफी देर से यहाँ खड़ा इंतजार कर रहा था। देखो मुझे अपने कॉलेज पहुँचना है और मेरी मीटिंग मिस हो रही है। हे, हे! देख लिया आपने क्या किया? मैंने किया है? बिल्कुल। मैंने कुछ नहीं किया, मैं एक लड़की हूँ, मुझसे तमीज से बात करो। जी लड़की है ना, इसलिए जो चाहेंगी वो ही करेंगी। तेज चल के मुझसे पहले टैक्सी लोगे? इतना इजी नहीं लो मुझे। घूर क्या रहे हो, मदद करो मेरी इडियट। क्या मुसीबत है, अभी सर फट जाता मेरा। तुम्हारी अखरोट खोपड़ी इतनी आसानी से नहीं टूटने वाली, परेशान नहीं हो। आराम से लड़की, क्या हो गया?
ओके आई एम सॉरी, मैंने जानबूझकर नहीं किया। बेहतर है कि तुमसे कहीं दूर जाकर खड़ा हो जाऊं। एहसान होगा। वो सब मीटिंग रूम में है। नाइस ड्रेस, थैंक यू। थैंक यू अयाज सर। शायद हमें चलना चाहिए। अयाज साहब को तो बहुत देर हो गई है। देखिए अगर थोड़ा सा हम क्वालिटी और एक्सपीरियंस के साथ साथ डिसिप्लिन का भी बहुत ख्याल करते हैं, वरना आज मार्केट में हमारा इतना नाम क्यों होता? आप खुद सोचें, जो लोग वक्त का ख्याल नहीं करते। डिसिप्लिन बिजनेस से ज्यादा अहम होता है। इंतजार करवाने के लिए माफी चाहता हूँ, एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था। अफसोस हुआ, आई होप कुछ सीरियस नहीं हुआ होगा। इट्स ओके, समझे कि अब मैं आदी हो चुका हूँ। सुन के बहुत खुशी हुई, क्या आप ठीक हैं? मेरे ख्याल से प्रेजेंटेशन स्टार्ट करते हैं। मुझे तो इम्पॉसिबल लग रहा है दैमित, हम अगली मीटिंग में नहीं जा सकेंगे। ठीक है फिर उन्हें ड्रॉप कर दो, उनका प्रपोजल वैसे भी इंटरेस्टिंग नहीं था। आपके इटालियन फर्नीचर के लिए हमने दो प्लान्स डिजाइन किए हैं। बहुत डिफरेंट प्लान महसूस हो रहा है। हमें पसंद आया। एक्चुअली लोग अक्सर अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ फर्नीचर की शॉपिंग करने आते हैं, इसलिए रेस्टोरेंट्स और कैफेज का इजाफा किया गया है, और साथ ही हमने फर्नीचर की अहमियत जहन में रखते हुए शोरूम ग्लास एलिवेशन के साथ बनाए, डे लाइट इफेक्ट के साथ। अब आ जाइए पार्किंग की तरफ। डिजाइनिंग और फोटोग्राफी में दो मेजर डिफरेंस होते हैं, वो ये कि फोटोग्राफी में आपको ऑब्जेक्टिव ढूंढना पड़ता है, जबकि डिजाइनिंग में ऑब्जेक्टिव क्रिएट करना होता है। और क्रिएशन के लिए सबसे पहले आपको अपने अतराफ में मौजूद हर फिक्शनल और नॉन फिक्शनल। आज तुम नीट कैसे हो गई? पूछो। कोई भी ऐसी चीज़ क्या हुआ? आपकी तवज्जा सारे रास्ते मनुष्यत साथ रहे, पता नहीं घर से निकलते किसका मुंह देख लिया मैंने। ये क्या बोल रही हो? गर्ल्स अगर बातें करनी है तो बाहर चली जाइए, क्लास डिस्टर्ब हो रही है। आई एम सॉरी मैम। यानी सबसे पहले हमें अपना मोटिव नेचर को बनाना होगा। मोटिवेशन और ऑब्जेक्टिव दोनों के लिए जरूरी है कि हम अपनी गहरी नजर इस्तेमाल करें। ये किसका फोन बज रहा है? जीनिया? मेरी बेल नहीं है मैम, मैं नहीं पहचानती इसे। मैं आपको चेक करवा देती हूँ। मैंने पहले ही क्लास में बता दिया था कि सेल फोन अगर किसी का बजा तो फिर वो मेरी क्लास में नहीं रह सकता। बाहर जाइए। लेकिन ये सेल फोन तो मेरा है ही नहीं मैम। ये लड़की नॉर्मल नहीं है। इतनी बुरी भी नहीं। चलो मुझे ये तो समझ आ गया कि ये फोन मेरा नहीं। अगर तुम्हें पता था तो तुम कॉल कर लेते। मेरा फोन वापस करो मुझे। तुम्हें जल्दी है ना, तुम आ जाओ। हमारे सेलफोन तुम्हारी वजह से एक्सचेंज हुए हैं तो तुम्हें ही आना होगा। ओके, लेकिन एक शर्त है, तुम मुझसे मिलने अपना पोलका डॉट्स वाला ड्रेस पहन के आओगी। तुम मेरी फोटोग्राफ्स चेक कर रहे हो? लगता है तुम्हें बिल्कुल तमीज नहीं है। अयाज मैं जा रहा हूं। अगर तुम ये चाहती हो कि मैं तुम्हारी पर्सनल पिक्स ना देखूं तो लेने आ जाओ। एड्रेस क्या है तुम्हारा?
कॉफी? जी नहीं। अगर आप अच्छे से फोन देख चुके हैं तो प्लीज मुझे वापस कर दें। क्यों नहीं? आप कभी नहीं मिलेंगे इंशाल्लाह। अच्छा कलर है, आप पे सूट भी बहुत करा। ठीक है, जीनिया कहीं तुम इस वक्त बिजी तो नहीं हो? हाँ हाँ, तुम बोलो क्या बात है। ओह थैंक गॉड, मुझे तुमसे बहुत जरूरी काम है। तुम कहाँ हो इस वक्त? अच्छा, बहुत जरूरी काम है। मैं एक फ्रेंड के शोरूम पर आई थी जरा। कौन सा शोरूम? ओके ओके, हाँ मैंने वो जगह देखी हुई है। तुम वहीं रहना, मैं अभी आ रहा। कितनी बुरी लग रही हूं मैं। हेलो, वाइफ के लिए देख रहे हैं? नहीं, मेरी शादी नहीं हुई। फिर तो जरूर अपनी गर्लफ्रेंड के लिए ढूंढ रहे होंगे। मुझे अफसोस है, आप अभी गलत समझ रही हैं। कोई बात नहीं, मैं फिर भी आपकी हेल्प कर दूंगी। बहुत वैरायटी है यहाँ, आप मुझे साइज बता दीजिए। मैं माफी चाहता हूँ, मुझे कुछ नहीं मालूम, तभी यहाँ आया हूँ। फिर क्यों? आई मीन जीनिया, शुक्र है तुम मिल गई। पता है आज रात हमने एक सरप्राइज पार्टी रखी है और मुझे समझ नहीं आ रहा कि फिजा के लिए क्या लूं। मेरी मदद करो प्लीज। हाँ ठीक है, तो फिर चलो। फिर तो आप बिल्कुल ठीक जगह आए हैं। जीनिया इंट्रोडक्शन तो करा दो पहले। शायमा, ये है जावियर, मेरी दोस्त फिजा के बड़े भाई। अरे हाँ, उसको तो मैं जानती हूँ, अब तो आपको यहाँ बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी। शायमा मेरी बचपन की दोस्त है, हमारे मोहल्ले में रहती है। रियली? फिर तो मुझे आपसे मिलकर बहुत खुशी। आई मैं आपको ड्रेसेस दिखा दूं, क्या पता कुछ पसंद आ जाए आपको। श्योर। ये लीजिए, इन्हें पैक कर दीजिए। श्योर, थैंक्स। ये लीजिए। शायमा, आपने बहुत हेल्प की मेरी, वरना मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। बहुत शुक्रिया आपका। नेवर माइंड, जब भी प्रॉब्लम हो आइएगा।
और हाँ, तुम्हारा भी बहुत शुक्रिया। आज रात वक्त पे आ जाना, लेट नहीं होना। बाय बाय। ओके। इसे कभी पता नहीं चलेगा कि मैं अब बड़ी हो गई हूँ। मैं वाकई बहुत अंधा हूँ जो कभी तुम्हारी मोहब्बत को नहीं समझ पाया। तुम देखना भाई, तुम्हें पाके कितना लकी फील करेगा। वाकई में? बिल्कुल। ज़ीनिया। किस किस्म के हैं आप लोग? इंसानों के घर छीन के खुद को खुदा समझने लगे हो? सिर्फ पैसों के खातिर पूरी आबादी को बेघर कर रहे हो? क्या शर्म नहीं आती तुम लोगों को? ये कैसा इश्क है, ये कैसा